अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं ईवान सदर में मौजूद हूँ। तकरीब हलफ बर्दारी हो गई है, मेरे साथ मेरे दो भाई मौजूद हैं। सर क्या कहते हैं आज जो परवेज़ अलाई साहब वज़ीर आला आ गया, क्या कहना चाहें? माशाल्लाह आज हक की फतह हुई है, आज पाकिस्तान की फतह हुई है, पाकिस्तान की आवाम की फतह हुई है। और पाकिस्तान की आवाम ने जो मैंडेट दे के अवामी नुमाइंदों को पार्लियामेंट में भेजा था, आज हक की फतह हुई और आवाम की एक एक वोटर की फतह हुई है। हम सबको ये हमें इस वीडियो पैगाम के ज़रिए हमें अल्लाह के हाँ सर सजदे में अपना सर झुकाना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, गुरूर से बचना चाहिए और दोबारा इसी इस्तकामत के साथ इसी जुर्रत के साथ अपनी काविशों को जारी रखना चाहिए। सबको बहुत बहुत मुबारक। आरिफ भाई आपके कहना, आज मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद दूंगा, स्पेशली नून लीग के उन कारकुनों को मुबारकबाद दूंगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने वाले हैं। क्यों? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आज नून लीग का टिकट रद्दी में चला गया, उसको पेप्सी सर्कस वाला कोई ले सकता है, बाकी कोई पाम पाकिस्तानी अब नून लीग या पीपल्स पार्टी या पीडीएम की जितनी भी 11 जमातें हैं इनको कोई भी अब पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी मानने को तैयार ही नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद है कि इमरान खान वापस आ रहा है, पाकिस्तान की खुददारियत सालमियत दोबारा आएगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह आज़ाद खारजा पॉलिसी के तहत एक बार फिर से ला इला इल्लल्लाह के जज्बे से इमरान खान की क्यादत में दो तई अक्सरियत के साथ पार्लियामेंट में वापस आ रहा है इंशाल्लाह। पंजाब में आ गया वफाक की बारी इंशाल्लाह। रात के तकरीबन 3 बज चुके हैं, हलफ बर्दारी हो गई है, परवेज़ अलाई साहब वज़ीर आला आ गए हैं, लोग बहुत खुश हैं। सो हम करते हैं चाय को एंजॉय। ये चाय का कप याद रखना, ये ही चाय का कप है और ये दोबारा आ रहा है, वो कप उठाने वाला भी। चलो चाय का कप और चाय के कप के साथ वाली तस्वीर एक और भी आने वाली है। ये जो चाय की प्याली में तूफान था ना, चाय की प्याली में तूफान था, वो खत्म हो गया।